मैं हूँ तहरीम फातिमा खान और मुझे देखने वाले मेरे हर एक दोस्त को तहरीम खान का सलाम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू तहरीम खान लाइव। जी तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैंने कुछ जो है शूट कर करके रखा था और प्रॉपर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसको अच्छे से शूट करके अपलोड कर सकूँ, तो आज छुट्टी भी थी तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाते कि कुछ दिनों से मैंने क्या शूट किया है। तो अम्मी की सालगिरह भी आई और अम्मी की सालगिरह के लिए जो अम्मी को थोड़ा बहुत हमने कोशिश करी स्पेशल फील करवाने की, तो वो होगा इस व्लॉग में। और बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके अलावा एक मेरी जो भी रूटीन थी वो है सिंपल सी, तो आप लोग जाइए वो देख कर आइए। जब तक मुझे लग रही है बहुत शदीद भूख, तो मैं करती हूँ नाश्ता और फिर जो है फिर करेंगे इस व्लॉग को एंड। तो जब तक जाइए आप लोग मज़े से वो व्लॉग देखिए। यहाँ पे मैंने रख दी है मंदी के लिए जो है प्याज फ्राई करने के लिए। यहाँ पे मेरी प्याज हो गई है रेडी, मतलब सौते हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये अपना साबुत चिकन, फुल बोन चिकन। नाउ इसके अंदर आ जाएगी फिक्स आ गई ना इसके अंदर पूरी। क्या बना रही हो तुम ये बताओ? आज मैं बना रही हूँ मंदी, और किसके लिए बना रही हो ये भी बताओ। आज मैं बना रही हूँ अम्मी के लिए स्पेशल मंदी, पर फरमाइश हारिस ने की है। हाँ, अम्मी के लिए बना रही हूँ मंदी और फरमाइश करिए ये हारिस ने कि अम्मी से पूछते रहे तो अम्मी को करनी नहीं आती फरमाइश। तो क्यों बना रही हूँ, आज अम्मी अभी 12 बजे के बाद लग जाएगा बर्थडे, तो बस थोड़ा सा कुछ कर लेते। जी तो यहाँ पे ये देखें मंडी का गोश्त, मतलब कि चिकन हमारी अच्छे से टेंडर हो गई है, इसका गोश्त अच्छे से गल गया है, ये देखें। तो इस पोजीशन पे हमने इसको निकाल लिया और अब जो है मेरे पास है ये बटर और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ये हमारा मंडी मसाला, बाय द वे ये जो मंडी मसाला है ये भी मैंने खुद ही बनाया है। इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर इसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर कर। अच्छे से ये हो गए। जी तो अब मैंने इसको रख दिया यहाँ पे बेक करने के लिए, तो बेक करते हैं और उसके बाद इसकी शक्ल देखते हैं। जी तो यहाँ पे हमारे जो है मंदी के जो राइस होते हैं वो रेडी हो गए और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ ये किशमिश
लास्ट स्टेज पे हम किशमिश डालेंगे इसके अंदर एंड बादाम और अब इसको हम अच्छे से मिला देते हैं, इसके अंदर मिक्स कर देते हैं जी। तो अब हम ये जो हमारी चिकन है साबुत चिकन, हाँ ऐसे थोड़े एक ऊपर से एक नीचे, इसको हमने रख दिया इसके ऊपर। जी तो दोस्तों फाइनली हमारी जो है मंदी मजेदार सी रेडी हो गई है, आइए मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये देखिए जबरदस्त सी हमारी कोई मंडी, और हाँ क्या स्मेल आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो अब हम इसको कर रहे हैं सर्व, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रेडिशनल इसी में इसको सर्व किया जाता है। तो ये देखें क्या लजीज खुले खुले चावल इतने। ये मेरी माँ का जो है ना आज गिफ्ट है, मजे माँ खुश हो जाएगी अभी, क्या बोलती है? सही बोलिए। जी तो मज़ेदार सा ये हमारा चिकन मंदी का प्लेटर तैयार है, माशाल्लाह माशाल्लाह। व्हाट अ प्लेटर, अभी कैसी लगी है? बहुत प्यारा है। चलो मम्मी के पास इसको लेके चलते हैं। माँ आपके लिए गिफ्ट, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो भाई आप तो बोल दी मेरी रुक जाओ, जी तो दोस्तों यहाँ पे है आज माँ की सालगिरह, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा वीडियो में, जो है कल मैंने माँ को थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए उनके लिए खाना वगैरह बनाया, और आज जो है माँ का केक कट हो रहा है, तो चलते हैं केक कट करवाते हैं। फिर जी तो यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी है वो चल रही है, और ये है आज हमारे साथ मनाहिल। और बस थोड़ी देर में जो है हमारा पैकअप होने वाला है, बस पैकअप करेंगे और उसके बाद जाएंगे घर पे। जी तो दोस्तों अब हो गया हमारा यहाँ से पैकअप, चलते हैं घर, और घर चलते चल के देखते हैं कि क्या करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर। जी तो मैं अब आ गई हूँ छत पे, और शाम हो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की सी ठंड है, सर्दियाँ आ गई हैं,
हवा भी चल रही है और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय। और जो है बस यहीं पे करते हैं अपना ये व्लॉग एंड। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा ये व्लॉग देख के। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और स्टार्ट करेंगे यहीं से अपना एक और दूसरा व्लॉग। तो इस व्लॉग को करते हैं फिलहाल यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।